जरा बेटा चलो and we are a part of anti-ragging team and we will be presenting here with a skit in front of you to spread awareness regarding anti-ragging. So take your seats and enjoy. मेरा भाई लगता है भाई ये बॉयफ्रेंड क्या पता क्या है पर ये सागर तू डर मत मैं तेरी सागर तू जा तेरी वजह से मेरा भी नाम खराब चल चल क्यों हंसी आई ना रोज का कॉलेज लाइफ है वही सेम करते हैं हम चलती फिरती कोकेन हूँ ना मैं ठीक है हंस लो लेकिन ऐसे ही एक आजाद पंछी थी हमारे बीच जो उड़ना चाहती थी जिसके लिए शहर नया था जो पढ़ने लिखने आई थी पर पता नहीं क्या हो गया आज वो किसी और राह में बहुत अच्छा लग रहा है आज I always wanted to be in this college. College इतना अच्छा लग रहा है Faculties भी बहुत अच्छी लग रही है I think बहुत मजा आने वाला है इसे कोई फ्रेंड्स मिल जाए क्या रे क्या नाम है आफान ऐश्वर्या टोटली प्लीज डोंट टच मी क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो क्यों परेशान कर रहे हो उसको अबे तू ज्यादा चाहना हेलो कॉलेज क्या किया वो परेशान क्यों कर रहे उसको परेशान करके छुट्टी लेने का सोचा ऐसा खेल के लेने का सीनियर है समझा ना मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारी ये ऐश्वर्या मैं तेरी दोस्त हूँ ना सुन ना हम क्या करते पता है कि हम एंटी राइडिंग सेल को कॉल करते सुन तू एक बार सुन 1800 1805522 इस नंबर पे कॉल करते सब सॉल्व हो जाएगा मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरा कुछ होने वाला है ठीक है मत सुन जो करना है कर करूँ मैं इतना सफोकेटेड फील हो रहा है मुझे उसी लड़के या लड़की ने किसी ने तो कहा था रैगिंग एंटी रैगिंग पर लोग मुझे कमजोर समझेंगे ना बच्चे मेरे साथ रैगिंग कर रहे कॉलेज में प्लीज बेटा मुझे परेशान कर रहे सुनो तो दोस्ती आगे में तो चलते रह गई मुझे परेशान हो रही है छोटी सी बात है वो अब समझ नहीं रहे प्लीज ट्राई समझ क्यों नहीं आ रहा है ये छोटी बात क्यों लग रही है मेरी मम्मी को भी आई एम वेरी डिप्रेस्ड इनको नहीं समझ आ रहा डर लग रहा है मुझे कॉलेज जाने में क्या कर लूं मैं कोई रास्ता नहीं दिख रहा
सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। सबका हमने कंप्लेन कर दिया, अब से रैगिंग नहीं होगी। अरे ऐश्वर्या सुन ना, ऐश्वर्या मार डाला तुम सब ने उसको, क्या बिगाड़ा था यार उसने तुम्हारा। वो कमजोर नहीं थी, वो बस अकेली थी, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर यार उसने सिर्फ तुम्हें बोलने की कोशिश की, यही उसकी गलती है कि वो एक लड़की है, या फिर ये उसकी गलती है कि वो नहीं आई है। अरे उसने क्या बिगाड़ा था यार। मैं भी डैडी को बोलूंगी तुम्हारे साथ आने के लिए कॉलेज में और बात करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ऐश्वर्या वी हैव आल्सो रिजॉल्व्ड द इशू, नाउ यू कैन कम टू द कॉलेज फियर फ्री। अरे अब रिजॉल्व करके क्या करोगे, टाइम निकल चुका है। बट हमें लगा कि ऐश्वर्या सह लेगी, हमें लगा कि कॉलेज में ये सब होते रहता है, हमें लगा कि वो ध्यान नहीं देती पढ़ाई में। पर किसी ने सोचा कि उसपे क्या बीत रही है? नहीं, हमें लगा ये, हमें लगा वो। अभी भी टाइम है, वो सागर के पीछे भी पड़े थे कुछ लोग, उसे बचा लो एटलीस्ट। क्या तुम्हारा इधर अपना सागर वगैरह दिख नहीं रहा है? बस तुम्हारी तरह ही घूम रहा होगा किधर चाय की टपरी में। से माफी मांगने किया। अरे उसने कॉलेज आना छोड़ दिया है। क्या बात कर रहा है, कहाँ है फिर वो? अभी वो कर रहा है कुछ तो अपना बिजनेस। किधर है? हाँ बाबा चलो काम करो ना, क्या लगा के रखा है ये? नहीं काम करो। ए चल छोटू चल जल्दी कर, क्या रिकाम टाइम पास करके रखा है? ए बुड्ढे चलना काम करना, क्या लगा के रखा है तूने? टाइम पास नहीं करने का, आपको मोबाइल नहीं चलाने का, काम करने का आते हो? काम करने का अपने आते। अरे सागर भाई। अरे आदि भाई, क्या हाल चाल है? सागर भाई बस भाई बढ़िया, मैं भी आपके जैसा रफ एंड टफ बन गया अभी। सागर भाई ये रफ एंड टफ तो ठीक है, बट हम बोलने आए थे तू कॉलेज मत छोड़ यार। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, वहाँ पे आओ तो सिर्फ ऐसा ही चोमू बन के रहना पड़ता है? ऐसा नहीं रहता है, कॉलेज बहुत जरूरी है भाई, रैगिंग वगैरह रफ एंड टफ सब नहीं करवाया। नहीं अभी मैं सॉलिड बन गया भाई आपकी जैसे, अभी मैं हुकुम चला था सब पे, सब पे राज करता हूं। लोगों पे तो हुकुम चला रहे, वो तेरे से बहुत एजेड है और बहुत साल से काम कर रहे थे यहाँ पे, तो ये सब छोड़ दे और हमें भी हमारी गलती का एहसास हुआ है। नहीं भाई ये सब मैं आपसे ही सीखा भाई, आपकी प्रेरणा लेके मैं अभी रफ एंड टफ बना। सागर सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रैगिंग वगैरह सब बंद हो गया, तू कल से कॉलेज आना। ठीक है देखते हैं, मैं तो आ गया से कॉलेज, लेकिन कुछ मेरी सेफ्टी है क्या कॉलेज आने में? अगर मैं कॉलेज आया फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं फिर से वैसा करूंगा। अरे हमने एंटी रैगिंग सेल भी बनाया है और सबसे पहला होता है आवाज, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमें सहना पड़ेगा और हमारे लिए सब होंगे तो हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है मैं कल से कॉलेज आता हूँ। और आज की हम ये सीख लेंगे कि सागर ने सफेद कपड़ा पहना था लेकिन गलत संगत के असर में दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में वो भी काला कपड़ा बन गया। तो हमें किसी के इन्फ्लुएंस से खुद को बिगाड़ना नहीं है। ये इंस्टीट्यूट कभी भी ये सपोर्ट नहीं करता कि ये सब गलत हो। द फैकल्टीज द स्टाफ एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स वी ऑल हैव अ प्रिंसिपल एंड अ बिलीव, तो हमको उस प्रिंसिपल एंड बिलीव में चलना है। एंड आई गेस टूगेदर वी कैन प्लेज वन थिंग, so together we pledge that we will make this society a safe and better place to live in and